लास्ट पार्ट में हमने लाइववेज क्लासिफायर को यूज किया था, हमने पाइपलाइन यूज किया था और उसमें काउंटर वेक्टराइजर, टीएफ आईडीएफ ट्रांसफॉर्मर और लाइववेज क्लासिफायर के लिए मल्टीनोमियल लाइववेज को हमने यूज किया था और हमारे पास जो है एक्यूरेसी आई थी वो थी 96.5% और ये हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट थी जिसमें प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, हर जो कैटेगरी कॉलम था उसमें जो वैल्यूज थी उसके लिए प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट हमारे पास इसमें गिवन है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के थ्रू। इस पार्ट में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन और SGD क्लासिफायर को यूज करेंगे। तो log reg इज इक्वल टू, अगेन मैं पाइपलाइन बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ ट्रिपल्स और इसमें हम लास्ट टाइम की तरह वही काउंट वेक्टराइजर को यूज करेंगे। और TF IDF ट्रांसफॉर्मर भी हम लास्ट पार्ट में हमने जो यूज किया था हम अगेन इस पार्ट में भी यूज करेंगे। तो TF IDF ट्रांसफॉर्मर और लास्ट में हमारे पास क्लासिफायर आ जाएगा। तो CLF लॉजिस्टिक रिग्रेशन जॉब्स इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 5। अब हम मॉडल फिटिंग कर लेते हैं। तो लॉग रेग डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन अब हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो वाई ट्रेड इज इक्वल टू डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट और मैं एक्यूरेसी इसकी भी अब चेक करूं तो एक्यूरेसी तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने 98.3% एक्यूरेसी दी है जो कि नाइव बेस से ऑलमोस्ट 2% ज्यादा है या ओवरऑल नाइव बेस से ज्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन की है। अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अब देखें प्रिंट कैटेगरीज हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाई थी जो कि हमें यूं जो हम कॉलम था हमारे पास कैटेगरी नाम का तो उसमें जो वैल्यूज थी उसके लिए प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट हमें डिस्प्ले कर देगा जिस तरह यहां पर हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने जो कॉलम था कैटेगरी का उसकी जो वैल्यूज थी हमने वो स्टोर किया था लिस्ट बना के कैटेगरीज में। तो अगेन मैंने यहां पर वही कैटेगरीज लिस्ट को यूज किया। तो मॉइस्चराइजर की मेरे पास 99% एक्यूरेसी है, क्लींसर की 100% प्रिसीजन है और फेस मास्क की प्रिसीजन 97, ट्रीटमेंट की 98। ओवरऑल अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास काफी बेहतर रिजल्ट आया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अब
एसजीडी क्लासिफायर के लिए। तो अब मैं एक एसजीडी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, इक्वल टू पाइपलाइन, और पैरामीटर्स हम इसके सेट कर लेते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू नलिटी इज इक्वल टू एल टू अल्फा इज इक्वल टू वन अब हम इसको रन करते हैं। नलिटी अब मॉडल फिटिंग करते हैं, एसजीडी डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ओके और अब हम प्रोडिक्शन कर लेते हैं। तो वाई ट्रेड इज इक्वल टू अगर इसकी हम एक्यूरेसी अब देखें तो एक्यूरेसी तो हमारे पास 97.5 एक्यूरेसी आई है। तो ये भी हमने जो नाइव बेस क्लासिफायर यूज किया था उससे एक्यूरेसी ज्यादा है। और हमारे पास जो लॉजिस्टिक रिग्रेसर हमने जो यूज किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसकी एक्यूरेसी थी 98.3 और इसकी एक्यूरेसी है 97.5। काफी क्लोज है, लेकिन फिर भी ओवरऑल लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने काफी अच्छी क्लासिफिकेशन की है। अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करें तो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट वाई थ्रेड टारगेट नेम्स इज इक्वल टू कैटेगरीज। तो इसके भी ओवरऑल जो है इसका रिजल्ट भी काफी बेहतर है, लेकिन तीनों क्लासिफायर्स में से बेहतरीन जो रहा या बेस्ट क्लासिफिकेशन जिसने की वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। तो इस पार्ट में इतना ही, अगली पार्ट में हम कुछ मजीद एनालिसिस करेंगे।